ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों कैसे आप, आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि लोगों ने मुझे कहा, पिछली वीडियो के कमेंट्स मैंने पढ़े थे, लोगों ने मुझे कहा कि सार्थक भाई आपकी वीडियो में काफ़ी सुधार आ गया है, लेकिन लेकिन एक ऑडियो क्वालिटी का मसला है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। तो जैसे कि आपने खुद ही कहा कि सुधार आ गया है, थोड़ा सा रह गया है, तो मैंने भी आपको यही कहा था कि धीरे 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 जो है सारी चीज़ें चेंज होंगी, और कुछ चीज़ें हो गई हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं, एक दो वीडियो के बाद से आपको ये मसला भी देखने को नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस। आपने मेरा इतना साथ दिया है, थोड़ा सा और सही, एक या दो वीडियो के बाद आपको ये मसला भी नहीं रहेगा ऑडियो क्वालिटी का। अब मैं शुरुआत करता हूँ वीडियो की। दोस्तों आज हिंदुस्तान में जो है आजकल लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है दोनों तरफ से, लेकिन ये वॉर हाथापाई की नहीं है, ये वॉर है ट्विटर पे मुहावरों की। बहुत अच्छे अच्छे मुहावरे हैं, ऐसे मुहावरे हैं जो आपने मैंने कभी सुने ही नहीं होंगे अपने बचपन में, अपने स्कूल टाइम में, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, हैं जी उंगलियों पे न जाना, ये वो मुहावरे हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं होंगे, बड़े ही यूनिक मुहावरे चुन चुन के लेके आए। हाँ शायद इटली वाले लोगों ने पहली बार पढ़े होंगे, बात अलग है। ऐसे ऐसे मुहावरे, और ये मुहावरे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप और जो फैंटम फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर आईटी का तमाचा आया है, आईटी का तमाचा आया है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमने किसानों के सपोर्ट में जो है फार्म लॉस के अगेंस्ट बोला, किसानों के सपोर्ट में बोला, बीजेपी सरकार के खिलाफ बोला, इसलिए जो है हमें परेशान किया जा रहा है, यह डेमोक्रेसी की हत्या है। छी 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 छी, बहुत बुरी बात है, मेरी आंखों से तो आंसू जो आ रहे हैं वो रुक ही नहीं रहे। बेचारे लोग, ये बेचारे लोग। आईटी विभाग का कहना है कि देखिए आईटी विभाग की तरफ से जो मर्जी बोलते रहे, लेकिन आईटी विभाग की तरफ से क्या कहना है कि डिस्क्रिपेंसी एंड मैनिपुलेशन ऑफ 650 करोड़, 650 करोड़ का घपला करके बैठे हैं ये बेचारे लोग, मासूम लोग, ईमानदार, ये 650 करोड़ का घपला, मामूली सा घपला। हर्षद मेहता भी सिर्फ 500 करोड़ के घपले की वजह से फंसे थे, ये तो फिर भी 650 करोड़ की शुरुआती रकम आई है सामने। और लेकिन इनका कहना है कि हमने ऐसे ऐसे कर दिया, वैसे ऐसे कर दिया। देखिए ये तो सब बकवास बातें हैं, बिल्कुल सरासर बकवास बातें हैं, और जब सब कुछ नहीं होता बोलने के लिए तो ऐसा ही होता है। देखिए ये कहना है कि बिना नोटिस के हमको ऐसा हो गया, हमारे घर पे सीधा आ गए और ऐसे करने लग गए। देखिए पहली बात तो आईटी विभाग ने 20 दिन पहले इनको नोटिस दिया, कितने दिन पहले, 20 डेज पहले, लेकिन 20 दिन पहले इनका कोई बयान नहीं आया कि आपको नोटिस आ गया है हमारे ऊपर जो है, अब आईटी रेड मारने आएगा, ये बीजेपी की साजिश है। आपने बोलना था यही तो पहले बोलते थे, रेड पड़ने के बाद ही क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि इनको, इन्होंने आईटी विभाग को बड़े हल्के में ले लिया था, इनको लगा था कि जैसे हमने घपले करे हैं और जो है सारी हमने जो है कैलकुलेशन करके कैसा पैसा कहाँ छुपाना है, कहाँ दिखाना है, वो सारा हमने तिजोरी बंद कर दिया, इन्होंने सारे अपने जो भी इनका जो प्लान्स थे वो बंद कर दिया, और इन्होंने सोचा कि तिजोरी खोल ही नहीं पाएगी इनकम टैक्स, और जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खोल ही नहीं पाएगा तिजोरी, उसके बाद जो है हम बच जाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, जब इनकी चोरी सामने आ गई, तब इनके बयान सामने निकले हैं कि देखो हमको तो ऐसा कर दिया, हमको तो वैसा कर दिया है, ये तो डेमोक्रेसी की हत्या है, सरकार के खिलाफ बोलना ही। अगर ऐसी बात है मैडम तापसी पन्नू जी, तो कंगना रनौत जी का जब ऑफिस डिमोलिश कर दिया गया था बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा, तब आप लोग कहाँ थे, उनको 2 घंटे का नोटिस मिला था, तब आप लोग कहाँ चले गए थे, हाँ जी, तब बॉलीवुड में आपको एकता देखने नहीं मिली होगी मेरे भाइयों, बॉलीवुड की एकता जो है तब जो है मेरे ख्याल जो है वड़ा पाव खाने गई होगी, है ना, मुंबई में। अब जो है ये लोग के नंगे चेहरे जो है सामने आ रहे हैं, हाँ जी, और एक नहीं 28 लोकेशन पे इन्होंने जो है छापेमारी करी है। पहले आईटी विभाग क्या कहता है सुनिए, आईटी विभाग कहता है कि 300 करोड़ का तो जो एक रकम है उसका हिसाब नहीं दे पा रहा है उनका स्टाफ, फैंटम का जो है और जितने इनके जो खुद के लोग हैं, वो 300 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रहा है। 350 करोड़ के घपले के तो इनके पास वो है, एक जो है एविडेंस है जो ये कह रहे हैं आईटी विभाग, 350 करोड़ ये हो गया, 5 करोड़ की रिसिप्ट का भी अभी मसला आया है तापसी पन्नू, वो बाद में आया है, तो ये एक्चुअली जो है 650 + 5 करोड़ है, समझ रहे हैं, 300 करोड़ का तो ये हिसाब नहीं दे पाए, 350 करोड़ के तो इनके पास सबूत है, एविडेंस है आईटी विभाग के पास, कितने का तो घपला हुआ ही है,
और 5 करोड़ का जो तापसी पन्नू का मसला आपको सुना होगा कि रिसिप्ट नहीं दे पाई है, वो कहां से आया कहां से नहीं आया, उसके ऊपर कह रही है अटिभा का कहना है कि जो एक्चुअल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है इनकी या हुई है जो इनकी, उसमें और जिनके पास पैसा निकला है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यानी अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई इनकी 10 रुपये हुई है तो इनके पास 100 रुपये उस हिसाब से कैसे आ गए, तो 90 रुपये का जो फासला है वो कहाँ है और कैसे नहीं आएंगे, कहाँ है वो पैसा, कहाँ से आया है, किसने दिया है, वो सब मसला जो है अभी सामने आएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि अभी 28 लोकेशन है और जो जो फैंटम फिल्म्स जो बंद हो चुकी है, वो प्रोडक्शन हाउस बंद हो चुका है वो, और जो इनके खुद के जो है टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज उनके ऊपर भी छापे, जो तापसी पन्नू की अलग है, अरुणा कश्यप की अलग है और इन सबके जो अलग प्रोडक्शन हाउसेज और ये सब कंपनीज हैं, तो इन सबका जो है ये घपला और ये तो है किसी के नाम पे क्या ले लिया, किसी के नाम पे कहाँ ले लिया, यहाँ का पैसा वहाँ दिखा दिया, वहाँ का पैसा यहाँ दिखा दिया, ये सब करते रहते हैं, वो सारा स्कैम जो है वो चलेगा और सामने आएगा इनके लोगों के हिसाब से। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जब कंगना जी के साथ होता तब ये लोग कहाँ चले गए थे, हैं जी, तब ये लोगों की एकता सामने नहीं आती। अजय देवगन को अभी उनके गाड़ी पे जो है एक तरीके से मान लीजिए हमला ही हुआ कि उनकी गाड़ी जो है लड़क रोकी गई और वहाँ पे सरदार एक जो था वो गाड़ी ने लग गया कि तू रोटी की मैं खाना, रोटी की मैं खाना, रोटी की मैं पच दिए तेनू, है तू किसानों के खिलाफ बोलता, ये है वो है। अगर हम देश की एकता की बात करते हैं कि सरकार और किसान मिलकर जो है इसका जो है हल निकालेंगे, तो ये समझते हैं कि हम किसानों के खिलाफ हैं, कमाल बात है भैया। अच्छा, इन्होंने कहा देखिए तापसी पन्नू वगैरह की अगर मैं बात मानूँ तो इन्होंने कहा कि हमने किसानों के सपोर्ट में बोल दिया इसलिए हमको जो है सरकार के खिलाफ बोल दिया और किसानों के सपोर्ट में बोल दिया इसलिए हमें ये सब हो रहा है। देखिए किसानों के सपोर्ट में तो दिलजीत ने ही बोला, पंजाब के बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने बोला और ऐसे सेलिब्रिटीज है जो फिल्म इंडस्ट्री में, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी फिल्म से काम कर चुके हैं, उनके चेहरे आए क्या सामने, नहीं है। आप ही अकेले तो नहीं है जो सरकार के खिलाफ बोलती हैं, और बहुत सारे चेहरे हैं उनका सामने, उनका उनके खिलाफ कभी कुछ हुआ है, नहीं हुआ, हाँ जी। आप ही क्यों हैं, क्यों हैं, आप ही का नाम क्यों आया है भाई, जिसमें कमी होगी, जिसमें चोरी की होगी वही तो चोर होगा ना। इसलिए इनके ऊपर आज हैशटैग टैक्स चोर का जो है वो हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। लेकिन इनको ये बेशर्मी है, इनको ये शाहीनबाग, एक बात बताइए, जब ये शाहीनबाग के खिलाफ थे, शाहीनबाग में लोगों को इन्होंने सपोर्ट किया, सीएनआरसी के खिलाफ बोला, तब तो इनकी इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ी, अभी ही क्यों पड़ी, हाँ अभी ही क्यों पड़ी। और इनके ऊपर अकेले नहीं, देखिए फैंटम फिल्म से जुड़े जो चेहरे 28 लोकेशन के मैंने नाम लिया और उस पर भी बाद में आता हूँ, लेकिन जो जितने भी हैं, देखिए विक्रमादित्य मोटवानी जो हैं या फिर जो है मधुमन तेना, विकास बहल, ठीक है, ये सब चेहरे जो हैं इनके ऊपर रेड मारी अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और भी जितने चेहरे हैं। अब आप सुनिए, एक नाम आपको मैं ऐसा लूंगा जिसको आप सुन के आपको खुद ही आज जो है सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आईटी कितना जो है मतलब कितनी फेयर जांच कर रहा है, कितनी जो है अच्छी और सही जांच कर रहा है। देखिए एक प्रॉपर्टी का मैं नाम लूंगा, उस प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं या लिंक्ड जो है उस मालिक हैं या लिंक उनसे लिंक्ड है वो प्रॉपर्टी, वो है शिवाशीष सरकार। अब वो कौन है, वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट के सीईओ शिवाशीष सरकार जो है, उनकी प्रॉपर्टीज पे भी जो है रेड मारी गई है। तो ये बातें जब हम बोलते हैं तब आपको यह नहीं दिखता कि बीजेपी के लोग, आप तो खुद कहते हैं रिलायंस बीजेपी, अब क्या हो गया, तो रिलायंस के खुद के जो है रिलायंस एंटरटेनमेंट खुद के बंदे के जो है वो प्रॉपर्टी पे रेड मारी गई है, उनसे जो लिंक्ड प्रॉपर्टी उस पर रेड मारी गई है, तब आप क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, हाँ जी, इतनी अनबायसनेस कहाँ से आ जाती है और क्यों आ जाती है। और यही नहीं, इन्होंने कहा है कि अभी तक वो संतुष्ट नहीं है इनके जवाबों से आईटी पर, तो अभी और जांच हो सकती है और क्या पता इनको जो है जेल भी हो जाए, हो सकता है जेल जाना, मुझे नहीं लगता कितनी आसानी से, क्योंकि ये बॉलीवुड के चेहरे, जब रिया चक्रवर्ती बाहर आ गई तो ये तो खैर एक मजाक ही बनेगा, इनको जेल जाने का समझता हूँ कि फॉर्मेलिटी होगी। लेकिन ये देश जो है ये अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ कुछ भी आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, क्या पता है लोग जेल चले भी जाएं और जो है इनके असली चेहरे सामने आ जाए, इंसाफ मिले लोगों को, और ऐसे लोग जो हीरो एक आइकॉनिक फिगर बन के बैठे थे किसानों के लिए या हर उस गलत काम करने वालों के लिए जो आइकॉनिक फिगर्स होते हैं ये लोग, उनके भी थोड़ी आंखें खुलें कि भैया तुम जिसकी शय में ये सब कर रहे हो ना, वो खुद जल जा रहे हैं, अपना अंजाम चाहिए तुम्हें, नहीं चाहिए ना ऐसा, तो इनकी बातें मानना छोड़ो, इनको फॉलो करना छोड़ो, इनकी फिल्में देखना छोड़ो और अपने काम धंधे पर ध्यान दो, देश के भविष्य में ध्यान दो,
ये सब इन चीजों में कुछ नहीं रखा। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट बात आपको बता दूं जाते जाते कि चाहे तापसी पन्नू हो चाहे कितने लोग हों, एक चेहरा कभी भी इनमें से सामने नहीं आता जब मधु भंडारकर के ऊपर बात होती है, जब कंगना रावत के ऊपर बात होती है। तो ये जो बायसनेस इनके ऊपर से दिखती है, इनकी फिल्में जो फ्लॉप होती हैं, इनके जो ट्रेलर्स और जो प्रोमोज और जो टीजर्स जो फिल्मों के आते हैं उनको डिसलाइक दिया जाता है, इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना अपना देखते हैं। कोई ये कोइंसिडेंस नहीं है कि अनुराग कश्यप पर कुछ महीने पहले जो है मी टू का आरोप लगता है, उसके बाद जो है ये सब चीजें सामने आ जाती हैं। और अभी दोनों मिलके एक पिक्चर भी बना रहे थे दोबारा, फिल्म का नाम है जो इनकी जो नेक्स्ट कोलैबोरेशन है उसका नाम है दोबारा। अब वेब सीरीज है या मूवी है आई डोंट नो, लेकिन नेक्स्ट कोलैबोरेशन का नाम था दोबारा। तो इसके लिए तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप दोनों फिल्म के फिर से साथ आ रहे थे, अब जो है शायद वो चीजें भी नहीं होंगी। और जो ये कह रहे हैं कि सरकार ने किया है वैसा किया है, इट्स ऑल बुलशिट। तो ऐसे ही हमें जो है जांच एजेंसियों के जो है वो एक्शंस दिखने को मिल सकते हैं आगे, और यही हम आशा भी करते हैं। चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपनी सेहत का। जय हिंद जय भारत।